दोस्तों, पिछली रात मतलब शनिवार की रात को हम लोग किसी शादी के रिसेप्शन में जाना था, तो तैयार होकर जा रहे थे। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी, बेटे बहू की फ़ोटो भी खींच दी थी और मेरी भी फ़ोटो बहू के साथ हम दोनों ने खिंचवा ली थी। तो ये पिछली रात की फ़ोटो है। दोस्तों, मैं सुबह का वक्त है, नहा ली हूँ। आज संडे है, आज थोड़ा सा लेट उठे हैं हम लोग, पर फिर भी मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा कर ली है। और अब मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ और एक मैंने ये चूर्ण बनाया हुआ है। मेरी वीडियो बनी हुई है इसकी, अगर आपको देखनी हो मेरी वीडियो, ये वेट लॉस चूर्ण वाली, तो आप जरूर देखिएगा। इसमें जीरा, अजवाइन और सौंफ और काला नमक के चार चीजों से बना के रखा है मैंने। और अभी मुझे वेट लॉस करना है तो मैं ये गर्म पानी से लेती हूँ सुबह सुबह। तो बस गर्म पानी हो रहा है मेरा, और ये देखिए गर्म पानी हो रहा है। ये चूर्ण मैं इसको एक चम्मच इसमें मिला लूंगी, एक गिलास पानी में, और फिर मैं इसको लूंगी। तो बस लेती हूँ मैं। इसके बाद मैंने दोस्तों थोड़ी सी साइकिलिंग की, क्योंकि अभी मैं वेट लॉस के चक्कर में हूँ, तो थोड़ी सी साइकिलिंग कर लेती हूँ। 15 मिनट की ही करती हूँ, पर कर लेती हूँ। तो मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज संडे है तो बस संडे को तो नाश्ता कुछ ना कुछ बनता ही है, क्योंकि बेटा घर में रहता है तो सभी लोग घर में रहते हैं, तो नाश्ता बन रहा है। आज हम बना रहे हैं ढोकले, सूजी और बेसन के ढोकले। इसकी रेसिपी मेरी पिछली वीडियोस में दे रखी है मैंने, तो आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस बहू बना रही है आज ढोकले। तो देखिए ढोकलों की तैयारी हो रही है। और मैंने भी सोचा कि मैं खाली बैठी हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इसकी बना ली बहू की। और साथ ही साथ मैंने भी कुछ फल पड़े थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो मैंने सारे फल काट लिए। चाट भी तैयार है, ये फ्रूट चाट तैयार हो गई और ढोकले भी तैयार है, और हम सब ने मिलकर खाए ढोकले। देखिए ढोकले कितने अच्छे नरम स्पंजी बने हैं ढोकले हमारे, और हम सब ने मिलकर खाए। आज संडे था तो साथ में बैठकर सभी लोगों ने हमने खाए ढोकले, बड़े अच्छे बने थे। बहू ने बहुत अच्छे, पहली बार ही ढोकले मेरे घर पे बहू ने बनाए थे तो अच्छे बने, मुझे सबको पसंद आए ढोकले को। और हम सब मिलकर खा रहे हैं ढोकले, देखिए सब एक रूम में बैठकर ही खा लेते हैं, हम साथ में बैठकर अच्छा लगता है खाना। तो देखिए मैं भी खा रही हूँ ढोकले, और इसके थोड़ी देर बाद ही हमने फिर दाल बाटी बनाई। तो बहू के यहाँ दाल बाटी नहीं बनती है, तो मैंने कहा चलो मैं सिखा देती हूँ थोड़ी बहुत, तो वो बना रही है, बस उसको सिखा दी मैंने। कि हाँ, किसी कारणवश बनती नहीं है, तो वो बोली मुझे आती नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो मैं सिखा देती हूँ तुमको बाटी बनाना। आज संडे है तो बेटे को पसंद है बाटी, और हस्बैंड को भी काफी पसंद है, तो दाल बाटी बनाई। दाल बन चुकी है, केवल छौंक लगाना है, और बाटियां मैंने अभी उसको बनानी सिखाई है। तो ये जिस तरह से मैंने आटा पहले से गूंद लिया था, तेल और नमक डालकर, और फिर इनको एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर ली, और उसके बाद मैंने इसको, ये जो एक मेरी कढ़ाई है ये देखिए,
ये मेरी कढ़ाई काली कढ़ाई हो रही है, इसमें मैं केक भी बना लेती हूँ या और भी कोई चीज बनानी होती है तो बना लेती हूँ। तो इसमें मैं नमक बिछा दिया था पहले, और नमक जब गर्म हो गया तो ये बाटियां रख दी और फिर इसमें ढक्कन लगा देती हूँ मैं ऐसे। और फिर जब ये बाटियां एक तक सिक जाएंगी तो इनको पलट दूंगी मैं ऐसे, और फिर ये अंदर से काफी अच्छी सिक जाती है और इनमें नमक भी नहीं लगता है क्योंकि इसको लपेट रखा है मैंने एल्युमिनियम फॉइल में। तो जब ये बन जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए एक तरफ से ये अच्छी सी सिक गई है, और अब मैं इसको इस तरफ से सेक लूंगी, मोड़ के इसको बदल दूंगी, इस चीज को मैं उल्टा रख दूंगी। तो ये बाकी की सारी बाटियों को भी मैं उलट दूंगी और इस तरह से ये काफी अच्छी सिक जाएंगी। जो बाकी की बाटियां इनको भी मैं कवर कर रही हूँ, और ये सारी एक साथ कवर करके एल्युमिनियम फॉइल में, ये इससे जलती भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बन जाती है, सब तरफ से सिक जाती है बिल्कुल अच्छी सी। तो आप जरूर इस तरीके से बना के देखिएगा बाटी, कढ़ाई में ही बाटी आपके आराम से बन जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको लपेट दिया है। सारी तैयार हो गई, अब बस मैं इनको इसमें बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से सिक गई बाटी। ये देखिए बाटी हो चुकी है, और घी में इनको डुबो रही हूँ मैं। घी गरम हो जाएगा, इनके साथ साथ ही गरम है। तो फिर बस इनको थोड़ा सा हम पतला करके चूर कर और फिर दाल में डालकर खाएंगे। तो देखिए तैयार हो चुकी है दाल बाटी, और हम सब लोग खा रहे हैं। संडे का दिन हम सब साथ में ही खाना खाते हैं, घर को रेस्ट करके, और फिर हमने शाम को बड़े बनाए। दाल भिगो दी थी मैंने सुबह ही, बड़े भी हमने सोचा आज ही बना लेते हैं, अभी संक्रांत के दिन बेटी के यहाँ चले गए थे तो हमने बनाए नहीं थे। तो दाल पीस के लोगों ने उसमें सभी मसाले वसाले डाल के बड़े बहुत अच्छे करारे बड़े बनाए, और आज गरम गरम बड़े सबको खिलाए लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। पहली बार गरम बड़े खाकर अपने घर में, वैसे भाभियाँ खिलाती हैं और बेटियाँ भी कहती थी, लेकिन मैं बनाती थी तो इतनी देर में मेरे भी बन जाते थे बड़े और मैं गरम नहीं खा पाती थी। तो आज हमने गरम बड़े खाए साथ में मिलकर, सभी ने मिलकर खाए, और इस तरह से हमारा संडे बीता। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।